गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फर्स्ट इंग्लिश ग्रामर चैप्टर नंबर 9। ओके, हैव हैज, हैव हैज क्या है, कब यूज़ कर सकते हैं हैव हैज? जब ही शी इट दिया गया हो तभी आपको हैज लगाना है, और आई वी यू दे हो तभी आपको क्या लगाना है, हैव लगाना है। ठीक है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। गोल्डी हैज़ अ रेड बॉल। गोल्डी क्या है, नेम है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, हैज आया। ठीक है, आई हैव लॉन्ग हेयर, आई आता है तभी हमको क्या लगाना था, हैव। नेहा हैज़ अ ब्यूटीफुल फ्रॉक, नेहा गर्ल है यानी कि नेम है, इसलिए यहाँ पे हैज शी। दे हैव अ वाइट कार। ठीक है, We use has with he, she, it and naming words that mean one. We use have with I, we, you, they and naming words that mean more than. एक से ज़्यादा हो तभी have और एक हो तभी has. Okay? First, use has or have to complete the following sentences. ठीक है, जिराफ्स, यहाँ पे देखो एस है, एक जिराफ ने, जिराफ्स तो क्या है, हैव। मैंने बोला एक से ज़्यादा हो तभी आपको हैव लगाना है। ठीक है, एच ए वी हैव लॉन्ग नेक्स। आई के साथ क्या लगाना है आपको, हैव। आई हैव ब्लैक शूज, माय फ्रेंड हैज, माय फ्रेंड यानी कि एक ही फ्रेंड के बारे में, फ्रेंड्स नहीं बोला है, फ्रेंड हैज ब्राउन शूज। डोंकीज हैव, एच ए वी हैव बिग ईयर्स, डोंकीज है। ओके, इसीलिए आएगा यहाँ पे हैव। द स्क्विरल हैज, ओके, द स्क्विरल हैज अ बशी टेल। सोनिया हैज टू ब्रदर्स, सोनिया नेम है, वी एक से ज्यादा है, हैव, एच ए वी हैव, वी हैव न्यू हाउस। यहाँ पे सोनिया एक है इसीलिए यहाँ पे हैव हैज, क्योंकि शी है गर्ल है ना, ही शी ईट होता है तभी हमको हैज लगाना है, इसलिए हैज। यहाँ पे एक से ज़्यादा है वी, तो यहाँ पे हमने किया था ना वी, आई वी यू दे, तो यहाँ पे वी है तो क्या आएगा, हैव। एट नंबर द गर्ल्स एस है, हैव न्यू ड्रेसेस। ओके स्टूडेंट्स, पता चल रहा है ना आपको। Look at the each pictures and tick correct the sentences. Okay, first, the teacher has a pen. Correct answer है वहाँ पर, आपको ही वहाँ पर ही आपको correct करना है। ठीक है, the teacher has a pen. Right, first में, okay, सही answer. Teachers नहीं बोला, teacher बोला गया है। ठीक है, the child has a book. Yes, child के पास book है। Kitty has a chocolate. किटी के पास चॉकलेट है तो राइट है, एक ही किटी है। ठीक है, द पोलिसमैन हैव अ स्टिक, द पोलिसमैन हैज अ स्टिक। पोलिसमैन एक है या ज़्यादा है, एक ही है तो हैज होना चाहिए ना, तो हैज वाला राइट है। ओके, सी, टिक द करेक्ट आंसर टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस। रीमा हैज अ बैग, रीमा एक ही है, दूसरी कोई गर्ल यहाँ पे दिखाई नहीं देती है, रीमा हैज अ बैग। ओके, हैज पे आपको राइट करना है। सेकंड, द माइस चीज, दो है देखो, माइस रेड को बहुवचन में यानी प्लूरल करते तो माइस हो जाए ना, एम आई सी ई माइस, यहाँ पे दो है देखो, तो हैव आएगा। ठीक है, एच ए वी हैव। थर्ड, जॉन हैज अ बॉल, जॉन के पास क्या है, बॉल है, हैज। द रैबिट्स एस, एस है तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव। ओके, एक से ज़्यादा रैबिट है। डी, राइट सिक्स सेंटेंसेस, यूज वन वर्ड सेट ऑफ वर्ड्स फ्रॉम ईच बॉक्स। यहाँ पे आपको देखो, राइट सिक्स सेंटेंसेस आपको इस तरह से मैच नहीं करना है। ठीक है, आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, मैं सेंटेंस पढ़ रही हूँ। ठीक है, ही के साथ हैज लगता है ना, ही हैज़ अ बारबी
डॉल, ठीक है। यहाँ पे आपको सभी स्पेलिंग दी गई है, ठीक है। ही हैज अ बार्बी डॉल, फर्स्ट लास्ट में फुल स्टॉप करना है। सेकंड, शी के साथ हैज लगता है, शी हैज अ लवली हाउस। थर्ड, द बर्ड हैज अ रेड बीक, फुल स्टॉप। द बर्ड, बर्ड यानी एक ही बर्ड, बर्ड्स नहीं बोला गया, बर्ड हैज। आई के साथ क्या लगता है, हैव, आई हैव अ बॉक्स ऑफ एप्पल्स, ओके। फाइव, दे के साथ भी हैव, दे हैव लॉन्ग हेयर। सिक्स नंबर, वी हैव अ कंप्यूटर एट होम, वी के साथ भी हैव, ठीक है, पता चल रहा है। ही शी ईट हो तभी क्या लगता है, हैज, और आई वी यू दे हो तभी क्या लगता है, हैव। एक के बारे में बोला गया हो तभी हैज, और एक से ज़्यादा हो, एक बोला गया हो या तो हो तभी हैव यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू, बाय बाय।